नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जून गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं निरस्त होने के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। कल रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से इस पर गहन चर्चा के बाद परीक्षाएं नहीं करवाने और मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए छात्र हित में फैसला लिया है, जिसमें 10वीं व 12वीं बोर्ड की इन परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। इन परीक्षाओं में बच्चों को नंबर किस प्रकार से दिए जाएंगे, ये अधिकारियों की टीम तय करेगी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में पिछले 40 दिनों से बंद पड़ी दुकानें 2 जून से खुली। सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक दुकानों को खोला गया, लेकिन अनलॉक का यह पहला दिन दुकानदारों के लिए कुछ खास नहीं रहा। धीरे धीरे व्यापारियों ने दुकानें खोलना शुरू किया। करीब 8 बजे बाजार में रौनक नजर आने लगी। शहर की सड़कों पर दुपहिया वाहनों, रिक्शा और चौपहिया वाहनों की आवाजाही से ट्रैफिक बढ़ गया। इन सबके बीच बाजारों में 2 जून की रोटी कमाने के लिए खुली दुकानों की चमक फीकी पड़ी रही। सरकार द्वारा दी गई 5 घंटे की मोहलत में बाजार खुलने का पहला दिन दुकानों की साफ सफाई करने में ही निकल गया। 2 घंटे चले सफाई अभियान के बाद बाकी 2 घंटे ग्राहकों के दुकान तक पहुंचने के इंतजार और चर्चाओं में ही गुजर गए। इसके बाद सुबह से 11 बजे बजते ही दुकानदारों ने सामान समेटकर दुकानें बंद करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर पहले दिन बाजार खुलने के बाद भी पहले दिन कारोबार ठप रहने से व्यापारी निराश होकर खाली हाथ घर लौट गए। कोरोना महामारी के दौरान दवा, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से अहम सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए आपने 35,000 करोड़ का बजट रखा है, अब तक इसे कहां खर्च किया। कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीन का हिसाब भी मांगा और ये भी पूछा कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की दवा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की केंद्र सरकार की पॉलिसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने तर्कहीन बताया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपने डिटेल्स ऑर्डर में कहा कि केंद्र ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगाने का नियम बनाया है, इसके उल्ट 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाने का पैसा लिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन के शुरुआती 2 फेज में केंद्र ने सभी को मुफ्त टीका उपलब्ध करवाया। इसके बाद जब 18 से 44 साल के एज ग्रुप की बारी आई तो केंद्र ने वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर डाल दी। उनसे ही इस एज ग्रुप के टीकाकरण के लिए भुगतान करने को कहा गया। केंद्र का यह आदेश पहली नज़र में ही मनमाना और तर्कहीन नजर आता है। हनुमानगढ़ जिले में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुइया थाने के घूसखोर ASI पृथ्वी सिंह को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB के CI सुभाष चंद्र ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बताया कि आरोपी ने परिवादी धर्मपाल से मुकदमे में राजीनामे को लेकर रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने इसकी शिकायत ACB में दी थी। ACB ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद ACB ने जाल बिछाते हुए आरोपी ASI पृथ्वी सिंह को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी राहत देखने को मिली है, जिससे हालात अब सामान्य से होते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार देर शाम आई रिपोर्ट में प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बड़ी राहत मिली। अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में राजस्थान में जहां 6,038 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं, वहीं 1,276 नए केस सामने आए। हालांकि बुधवार आई रिपोर्ट में मंगलवार आई रिपोर्ट में आंकड़ों में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। श्रीगंगानगर जिले में 101 कोरोना रोगी सामने आए हैं तो हनुमानगढ़ जिले में 85 नए कोरोना रोगी मिले हैं। हालांकि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि ये आंकड़े भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएं। बूंदी जिले के लखेड़ी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि हादसा दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर घाट का बराना स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि दोनों की पहचान लखेरी उपखंड क्षेत्र के खोता पपड़ली गांव के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर जिले में 2 माह का मासूम बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है। मिली जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले मासूम का कोविड टेस्ट करवाया गया था। मासूम बिल्कुल स्वस्थ है। मासूम का राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है।
जोधपुर जिले के डांगियावास थाना क्षेत्र के दांतीवाड़ा में रहने वाली एक महिला ने रोजाना सास के तानों और झगड़ों से परेशान होकर खुद को आग लगा दी। महिला का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि दांतीवाड़ा की रहने वाली 24 साल की आरती ने बताया कि उसका पीहर भोपालगढ़ के अल्टिया कलां गाँव में आया है। उसकी शादी 6 साल पहले दांतीवाड़ा निवासी परवीनपुरी के साथ हुई थी। उसकी सास शांति देवी आए दिन उससे झगड़ा कर मारपीट करती है। वह संतान को लेकर कई बार उलाहना देती आ रही है। 31 मई को वह अपने कमरे में थी, तब उसकी सास शांति देवी हाथ में फावड़ा लेकर आई और मारपीट करने लगी। तब परेशान आरती ने माचिस की तिल्ली से खुद को आग लगा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 17 साल की टेनिस खिलाड़ी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कोच गौरांग नलवाया को कोच के पद से हटा दिया गया है। एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने फरार गौरांग को मंगलवार रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसे बुधवार को कोर्ट से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। दुष्कर्म केस में गौरांग का नाम सामने आने पर राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने बुधवार को गौरांग को कोच के पद से हटाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रिमांड के दौरान पुलिस अब वारदात में प्रयुक्त कार को बरामद करने के अलावा उदयपुर में उसे होटल का मौका मुआयना करेगी, जिसमें गौरांग ने 17 साल की अपनी स्टूडेंट से टूर्नामेंट खिलवाने के बहाने ले जाकर 2 दिन तक दुष्कर्म किया था। सिरोही जिले के शिवगंज थाना क्षेत्र के शिव कॉलोनी में मानसिक बीमारी से ग्रस्त महिला से देवर भोंपे द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तबियत बिगड़ने पर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने शिवगंज से पीड़िता के दोनों बच्चों को सिरोही अस्पताल लेकर पहुंची। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला को उसके देवर भोंपे ने जंजीरों से बांधकर यातनाएं दी। इन यातनाओं से महिला अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने बरलूट थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।